हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 22, 80, 96 है तो उन संख्याओं का अक्षीय 36 है, तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। इस तरह के सवाल करने के लिए दोस्तों हमारे पास एक फार्मूला होता है। पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा में एचसीएफ, ये होता है। तो हमें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या फार्मूले में तो हमको गुणनफल तो दे रखा है इसने दोनों संख्याओं का, तो हम इन दोनों संख्याओं की जगह क्या कर लेंगे, गुणनफल लिख लेंगे। गुणनफल क्या है, 2,28,096। तो एचसीएफ क्या और एलसीएम क्या है, इनमें से एचसीएफ हमको दे रखा है 36 और एलसीएम हमको पता नहीं है, तो एलसीएम हमें निकालना है दोस्तों। इसमें बोला गया है एलसीएम निकालो, तो हम क्या करेंगे, अब इस 36 को इस साइड में ले आएंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा। 2,28,096 बटे 36, इधर क्या बच गया एलसीएम। इसको हम 12 से कट करेंगे, 12 3 36, 12 1 12 बचे 10, 12 9 108, 0 0 12 8 96, यह है दोस्तों। अब 3 से करेंगे, 3 से करने पर हमें क्या मिलेगा, 3 6 18, 1 3 3 9, फिर 1 3 3 9, 3 6 18, हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास आया 63 36, यही क्या है एलसीएम है दोस्तों। हमारा आंसर भी यही है, 63 36, ऑप्शन नंबर सी इज राइट।